मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर से स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चौहान ने यहां बच्चों से बात कर उनके उज्ज्वल भविष्य की उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घुलाना शाजापुर में प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार है। वर्तमान में 300 सीएम राइज स्कूल निर्माणाधीन है और आने वाले समय में प्रदेश में 9000 स्कूल भाजपा सरकार बनाने जा रही है। अब गरीब बच्चे भी आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूलों में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कभी विद्यार्थियों की चिंता नहीं की, लेकिन मेरे बेटे और बेटियों तुम पढ़ते जाओ, तुम्हारी चिंता तुम्हारा मामा करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिस स्कूल में आप पढ़े हैं वहां 17 से 19 जुलाई के बीच जरूर जाएं और स्कूल की बेहतरी के लिए जो संभव हो उसके लिए अवश्य प्रयास करें। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सपनों को कभी मरने नहीं दूंगा। तुम ऊंचे आकाश में, लंबे आकाश में उड़ान भरो, इसके लिए मामा हर सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध कराएगा, इसलिए सीएम राइज स्कूल। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री बता रहे थे ये एक स्कूल नहीं है गोलाना में, ऐसे अभी पूरे प्रदेश में 300 स्कूल बन रहे हैं। और केवल 300 नहीं बनेंगे, आने वाले समय में मेरे प्रदेशवासियों 9000 स्कूल बनाऊंगा। ऐसे 9000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने कार्यक्रम के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गुलाना अब गोलाना कहलाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलाना में 132 केवी का बिजली का उपकेंद्र बनेगा। गोलाना का सीएम राइज स्कूल बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। विद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इसके साथ साथ गोलाना के नाम की आपने बात कही है, गुलाना है अभी गुलाना, अभी गुलाना को भुलाना है क्या, क्या नाम करना है? तो गोलाना का नाम गोलाना कर दिया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए। गोलाना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। गोलाना में 132 केवी का उपकेंद्र बिजली का बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैंने शिक्षा की ही बात की है क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम है ये। बाकी मैं शाजापुर जिले में फिर दौरा करूंगा तो विस्तार से विकास के हर मुद्दे पर चर्चा होगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।